भारत के महान महापुरुष हुए मानस मर्मज्ञ स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी। वह एक बड़ी मार्मिक और सत्य घटना बताते थे। कहते थे दक्षिण में किसी गांव में एक राम जी का मंदिर था। उस राम जी के मंदिर में एक बड़ा भोला और सरल भक्त रहता था। अब जितना समय बचे मंदिर में आ जाता था। कोई पूछे कैसे हो, एक ही बात कहता था, राम जाने मैं क्या जानूं। कहा काम कैसा चल रहा है, कहते थे राम जाने मैं क्या जानूं। अब उनको दो बेटे थे एक बेटी थी। अब बेटों ने कहा पिताजी शादी का समय है, धन की आवश्यकता है, किसी धनवान से साहूकार से धन लेकर आओ। अब पिताजी गए किसी जमींदार के पास, कहा धन चाहिए। अब सेठ जी ने धन दे दिया। धन लेकर आए बड़े उत्साह के साथ, अपनी बेटी का विवाह कराया। विवाह संपन्न हो गया सुख से, सब अपने घर को चले गए। बेटे धीरे धीरे पैसे जमा करते गए और जितने पैसे उधार लिए थे एक दिन उतने ही पैसे पिताजी को लाकर दिए और पिता से कहने लगे पिताजी आपने जो उधार लिया था ना वो देकर आ जाओ। पिताजी गए सेठ जी के पास, देने लगे यह पैसे वापस ले लो। अब सेठ जी ने पैसे वापस लिए, एक कागज दिया, कहा इस पर साइन कर दो। अब उस भोले भक्त ने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कहा साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। अब जो भोले भक्त थे उन्होंने अंगूठा लगा दिया। सेठ जी ने कहा पढ़ तो लेते। कहा राम जाने मैं क्या जानूं। अब सेठ जी समझ गए यह बहुत सीधा है, सरल है, इसे ठगा जा सकता है, इसे धोखा दिया जा सकता है। अब सेठ जी ने क्या किया, उस कागज को संभाल के रख लिया, एक दूसरा कागज दे दिया और उसमें लिखा था अभी पैसे पूरे प्राप्त नहीं हुए, और घुमा फिराकर कागज राम जाने को पकड़ा दिया। अब वो तो सीधे सारे भक्त थे, घर लौट आए। 3-4 दिन व्यतीत हुए, घर में एक नोटिस आ गया। उस नोटिस में लिखा था किस भोले भक्त ने मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे अभी तक दिए नहीं हैं। बेटों ने नोटिस पढ़ा, पूछने लगे पिताजी से, पिताजी आपको पैसे दिए थे देकर आने के लिए, देकर नहीं आए। पिताजी ने कहा देकर आया। कहा यह देखो इसमें लिखा हुआ है आपने दिए नहीं हैं। पिताजी ने कहा राम जाने मैं क्या जानूं। अब नोटिस आया कोर्ट से तो कोर्ट में जाना ही पड़ा। अब कोर्ट पहुंचे, वहां पर सेठ जी भी खड़े थे और यह भोले भक्त भी खड़े थे। अब इन्हें देखकर जज पूछता है क्या हुआ। सेठ जी कहते हैं इन्होंने पैसे लिए थे और मुझे अभी तक दिए नहीं हैं। तो उनसे पूछा भोले भक्त से क्यों पैसे नहीं दिए, चुका देने चाहिए। अब उनके मन में इतनी ईमानदारी थी, उन्होंने कहा सेठ जी को मैंने पैसे पूरे दे दिए हैं और मैं अपने हाथों से देकर आया हूँ। अब सेठ जी मान नहीं रहे हैं। अब उनको देखकर जज साहब को दया आ गई। उन्होंने कहा सच्ची सच्ची बताओ तुमने किसके सामने पैसे दिए, कोई था तो उनके मुख से क्या निकला, राम जाने मैं क्या जानूं। कहा कोई था, कहा रघुनाथ जी थे। कहा ठीक है आज चले जाओ, 3-4 दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा रघुनाथ के नाम से, उनको लेकर आना, वो तुम्हारी गवाही देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब भोले भक्त वहां से निकले, बाहर आ गए।
अब जज ने पुनः तीन नोटिस बनाए, एक भोला भक्त के लिए, एक सेठ जी के पास भेजा और एक रघुनाथ जी के नाम से नोटिस बना दिया। अब चपरासी लेकर निकला सारे शहर में पूछता जाए, रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, तो गांव में कोई रघुनाथ था ही नहीं। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर है, हो सकता है वहां रघुनाथ मिल जाए। अब पोस्ट ऑफिस वाला नोटिस लेकर आया रघुनाथ जी के मंदिर में, पुजारी से पूछा रघुनाथ कहाँ है, कहा रघुनाथ तो यही है, कहा यह दे देना। अब नोटिस रख के चला गया। दूसरा दिन हुआ, वो भक्त जी आए। पंडित जी बहुत सरल और सीधे थे। पंडित जी कहते हैं उस भक्त को, अरे कल कोई नोटिस देकर गया रघुनाथ जी के नाम से, मैंने उसमें पढ़ा, उसमें गवाही देनी है, कौन है रघुनाथ। अब वो भक्त कहता है राम जाने, मैं क्या जानू। तो पंडित जी समझ गए यह बहुत सरल भक्त है। उन्होंने वो नोटिस उठाकर भगवान के चरणों में रख दिया और उस भक्त से क्या कहते हैं, अब प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करने से तुम्हारा काम बन जाएगा। अब भक्त ने क्या कहा, राम जाने मैं क्या जानू, हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं, रोना धोना चालू कर देते हैं। अब भगवान को सब पता है, निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो जैसे लेके चल रहा है उस दिशा में बढ़ते जाएंगे विश्वास के साथ, तो काम स्वतः ही बन जाते हैं। अब वो तो चले गए। दूसरा दिन था, जाना था कोर्ट में। अब भक्त को पंडित जी बोलते हैं, टाइम से चले जाना, अन्यथा क्या होगा, दंड लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। अब भक्त कोर्ट के लिए जाने लगे। आज पंडित जी ने भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार किया कि देखकर मन मोहित हो जाए। भगवान के बाल बनाए, धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया। अब पंडित जी क्या कहते हैं भगवान को, यह बड़ा सीधा भक्त है, आपके भरोसे इसकी गाड़ी चलती है, मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है, अब टाइम से कोर्ट में पहुंच जाना। कितना विश्वास है, मूर्ति को आदेश दे रहे हैं, आप कोर्ट चले जाना भक्त के लिए, ऐसे नहीं वहां पहुंचो ही नहीं। और अचानक से भगवान के मस्तक से फूल गिर गया, विश्वास हो गया कि भगवान कार्य स्वयं कर देंगे। अब इस प्रकार कोर्ट में पेशी हुई। एक तरफ कौन खड़ा है, सेठ जी, एक तरफ वह भोला भक्त खड़ा है, और आवाज दी गई गवाही देने के लिए, रघुनाथ जी पधारें, रघुनाथ जी पधारें, रघुनाथ जी आए। अब तीन बार जब इस प्रकार बुलाया गया, एक बूढ़ा सा व्यक्ति लकड़ी लेकर कोर्ट रूम में हाजिर हुआ। जज ने पूछा कौन हो, कहा रघुनाथ जी हैं, कहा आ जाओ यहाँ कटघरे में। अब कटघरे में बुलाया गया, पूछने लगे जज, क्या इस भोले भक्त ने तुम्हारे सामने पैसे दिए सेठ जी को। तो रघुनाथ जी कहते हैं मेरे सामने दिए। कहा कोई गवाही कोई सबूत, का सबूत है, का कहाँ पड़ा है, का सेठ जी की अलमारी में। कहा तुम्हें कैसे पता, कहा मैं बताता हूं ना, सेठ जी की तीसरी नंबर अलमारी है, उसमें एक छोटा सा खाना है, उस खाने में एक कॉपी पड़ी है, उस कॉपी के अंदर एक कागज है जिस पर लिखा हुआ है कि इस भोले भक्त ने सारे पैसे चुका दिए हैं और इस भक्त के अंगूठे के हस्ताक्षर भी हैं। सेठ जी डर गए। रघुनाथ जी कहने लगे सेठ जी को यहाँ रोकिए, अपने कोर्ट के किसी कर्मचारी को भेजिए,
वहां से जाकर कॉपी लेकर आए। अब कोर्ट के लोग गए सेठ जी के घर, उस अलमारी को देखा, कॉपी निकाली, कागज लेकर कोर्ट में पेश कर दिया। अब कागज को देखकर सब हैरान, सेठ जी भी मन में परेशान हो गए, यह बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यह क्या हुआ? सेठ जी से पूछा जज ने, सच सच बताओ, पैसे चुका दिए हैं? कहा चुका दिए हैं। अब उस भोले भक्त को बरी कर दिया गया, वो तो आजाद हो गए। सेठ जी पर जुर्माना लगा, दंड लगा, और रघुनाथ जी वहां से चले गए। जज साहब नीचे उतरे और पूछने लगे उस भोले भक्त से, यह रघुनाथ कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए? कहा राम जाने, मैं क्या जानूं। कहा सच सच बताओ, कहाँ से आए? अब पूछते पूछते जज साहब मंदिर के उधर आ गए। पंडित जी से पूछा, पंडित जी रघुनाथ जी आज गवाही देने आए थे, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे? उनका दिव्य तेज देखकर मैं थोड़ी देर अचंभित होकर रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बस एक ही मन में इच्छा हो रही थी, इन्हें सुनता जाऊं। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान पहली बार देखा था, आप मुझे बताओ वह कहाँ रहते हैं? पंडित जी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो रघुनाथ जी हैं। यकीन नहीं हुआ, अरे सच कहते हैं, यही रघुनाथ हैं, यही आए थे गवाही देने। जब जज साहब ने यह सुना, आंखों में पानी आ गया। कहते हैं उसी समय वकीलों के जज के कपड़े उतार कर वो वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर रहने लगे। बहुत समय तक वृंदावन में जीवन व्यतीत किया और बाके बिहारी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही खड़े रहते थे। लोग पूछते थे क्यों नहीं जाते अंदर, कहते थे मैंने अपराध कर दिया। कहा कौन सा अपराध किया है? कहा भगवान मेरे समीप आए, मैं कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान सामने खड़े रहे, मुझ जैसा अपराधी कोई है ही नहीं। और एक पंक्ति स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बड़ी सुंदर बताते थे, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे, सुख धोके दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन को तज जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहा मुझ जैसा अधम कौन हो सकता है जो भगवान केवट का गवाह बनकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गए और मैं अनजान सा सब सुनता रहा, मुझ जैसा अपराधी कौन हो सकता है, मुझे शर्म आती है अंदर जाने में। इसलिए उस दिन से सब कुछ त्याग कर मैं दर पर बैठा रहता हूँ, कभी तो दया आएगी परमात्मा को, वह मुझसे मिलने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो अपने भक्त की परमात्मा स्वयं संभाल करते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर यह प्रसंग बताते थे। बहुत लोग कहते हैं कि कई लोग संत लोग महापुरुष विद्वान कथाकार दूसरे की कथा तो कहते हैं नाम नहीं लेते, पर नाम लेना चाहिए। जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे समक्ष यह अमृत प्रस्तुत किया हो ना, उन महापुरुषों के प्रति यह एक श्रद्धा सुमन होते हैं। जिनके द्वारा आप कोई बात सुनो, उनका नाम लेने से आपका ही महत्व बढ़ता है, आपका ही बड़प्पन झलकता है। तो वो तो बहुत सुंदर स्वरूप से इस कथा को बताते थे। तो यह भक्त और भगवान का पावन प्रसंग, पर परमात्मा कब आते हैं? जब मन से पुकार की जाए, जब सब कुछ परमात्मा के हवाले छोड़ दिया जाए।